ये कहानी एक गांव के दो दोस्तों सरजू और बिरजू की है। दोनों बड़े ही मेहनती, लेकिन सरजू की फसलें बड़ी ही मजबूती के साथ लहलहाती और बिरजू की मुरझा जाती। बिरजू की मुरझाई फसल उसकी परेशानी और दुख की वजह थी। सरजू ने उसकी परेशानी देखकर उसे कई बार फार्म ग्रोथ जी के बारे में बताना चाहा, पर बिरजू ने उसकी एक न सुनी। बिरजू को ऐसा लगता कि वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो सरजू की सलाह नहीं मानता। लेकिन परेशानी तो बढ़ती ही जा रही थी। सरजू बिरजू की परेशानी को लेकर गहरी सोच में डूबा था। अचानक उसे एक तरकीब सूझी और वो वहां से उठकर चला गया। सरजू पहुंचा कृषि विशेषज्ञ के पास और उसे अपने खेतों में आने का निमंत्रण दिया और साथ ही अपने दोस्त की समस्या भी बताई। अगले दिन सुबह सरजू और बिरजू अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। दोनों के खेत आमने सामने थे। सरजू अपने खेत की तरफ से बिरजू के खेत की तरफ चल दिया। बिरजू के खेतों के पास जाकर सरजू बोला, बिरजू, अरे ओ बिरजू, अरे बिरजू, तेरे खेतों में ये शोर कैसा? शोर? कैसा शोर? मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अरे भाई गौर से सुन, तेरे खेतों की जड़ों से रोने धोने की आवाज सी आ रही है। वही सुनता हुआ तो मैं तेरे पास आया हूँ। तू क्या कह रहा है यार, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। कैसे सुनेगा तू? तूने अपने कान जो बंद किए हुए हैं और अब तुझे दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि तेरी आंखें भी बंद हैं। क्या मतलब? मैं देता हूँ तुम्हारे सवालों के जवाब। आइए आइए सर, मुझे आपका ही इंतजार था। बिरजू इनसे मिलो, ये टाटा केमिकल्स की तरफ से आए हैं। ये एक कृषि विशेषज्ञ हैं जो खेतों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाते हैं और उनके हल भी बताते हैं। इसके अलावा फसलों के बेहतर विकास में भी ये मददगार हैं। अच्छा, तो क्या इनके बताने से जड़ों को हंसना आ जाएगा? और क्या, देखो बिरजू, तुम्हारे मित्र के खेत कैसे लहला रहे हैं। इसका राज है फार्म ग्रो जी। फार्म ग्रो जी के आने से जड़ों ने मुस्कुराना सीख लिया है। मुझे भी फार्म ग्रो जी के बारे में जानना है, इसीलिए तो मैं आया हूँ। आओ मैं तुम्हें ठीक ढंग से समझाता हूँ। पौधों की सक्रिय बढ़वार शुरू होती है तब पौधों की जड़ें भी विकसित होती हैं। ऐसे समय में जड़ों का विकास करने हेतु जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल में लाते हैं वो है फार्म ग्रो जी, जो एक माइकोराइजा युक्त बायो फर्टिलाइजर है। ये माइकोराइजा क्या चीज है? ये कवक का एक ऐसा समूह है जो पौधे या पेड़ की जड़ों के साथ सहचर्य संबंध, जिसमें दोनों का फायदा होता है, बनाता है। ये पौधे या पेड़ की जड़ों द्वारा पोषक तत्वों एवं जल के अवशोषण में सहायता करता है। साथ ही ये पौधे या पेड़ को अनुपलब्ध फास्फोरस उपलब्ध कराता है। अच्छा, साथ ही फार्म ग्रो जी में सीवीड एक्सट्रैक्ट या समुद्री शैवाल के सत अर्क, अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड और चिलेटेड सूक्ष्म पोषक तत्वों का बेजोड़ मेल है, जिससे जड़ों के विकास में प्रोत्साहन मिलता है। वो जड़ों का विकास तो ठीक है, पर क्या इसके इस्तेमाल से फसलों की सेहत पर असर पड़ता है? जी हाँ, फसलों की सेहत बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये मृदा संरचना में सुधार करके पौधों को सूखने से बचाने में मदद करता है और साथ ही साथ फसलों की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अरे वाह, फार्म ग्रो जी के फायदे तो अनेक हैं। अरे भाई इतना ही नहीं, इसके इस्तेमाल से तुम भी मुस्कुराना सीख जाओगे। टाटा पारस इसे ग्रैन्यूल रूप में लाया है और इसका इस्तेमाल 5 किलो प्रति एकड़ की दर से करते हैं, जब बुआई कर रहे हो या पहली बार पानी दिया गया हो तब। पर इसके प्रयोग की सावधानियां भी तो होंगी ना? हाँ, इसे बच्चों से दूर रखें और प्रयोग करने के बाद अच्छे से हाथ धो लें और इसे ठंडी एवं सूखी जगह पर रखें। तो समझा मेरे भाई, ये फार्म ग्रो जी है एक बेहतर उपज का सही फार्मूला। इसीलिए तो कहते हैं, जड़ मजबूत तो घर मजबूत। याद रखें फार्म ग्रो जी के मुख्य फायदे: मृदा से पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण, बेहतर मृदा स्वास्थ्य एवं संरचना, पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। फार्म ग्रो जी, जड़ मजबूत तो घर मजबूत।